उम्र 17 साल है, खतीजा का वेट 105 केजी है, जबकि हमारे इस भाई का जो वेट है वो 65 केजी है। इनकी लव स्टोरी शुरू कुछ यूं होती है कि खतीजा के वालिद साहब इनको अपने घर में रखते हैं और इनकी ड्यूटी लगाते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ रहना है और इसको ड्राइविंग सिखानी है। उन्होंने इनको कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, जिस पर इन्होंने कहा पाजी आप ये क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी आवाज ना निकले क्योंकि मैंने तुम्हारी अपने घर वालों के साथ बात करनी है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी गुम हो जाए। ओह नो मामी, तो हे हाय हेलो नमस्कार राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की दुआ मिल रही है, इतना सपोर्ट मिल रहा है तो मैं कैसे अच्छी नहीं हो सकती। तो मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी बहुत ज्यादा अच्छे हो। एंड आज मैं एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ, बहुत ही दिल से स्वागत करती हूँ। तो गाइज आज एक और बार फिर से मैं एक फनी 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 वीडियो लेकर आई हूँ, जिसको देखने के बाद आप काफी इंजॉय करने वाले हो, काफी हंसने वाले हो, काफी अजीबोगरीब रिएक्शन देने वाले हो। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए क्योंकि मुझे फिर पता है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में काफी फनी फनी चीजें सुनाओगे, काफी रिस्पांस दिखाओगे अपना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता लगेगा कि आप लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हो। सो गाइज चलो मैं आपको वीडियो बता देती हूँ हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है 17 साल की नौजवान लड़की है, सिर्फ 17 साल की है, उसका वेट सिर्फ 100 से 105 किलो का वेट होगा, ज्यादा नहीं, 100 से 105 किलो का वेट है उसका। उसको अपने ड्राइवर पे दिल आ जाता है और वो अपने ड्राइवर से शादी, अपने ड्राइवर से निकाह कर लेती है। तो उनकी लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है आप लोगों को इस वीडियो में। उनकी लव स्टोरी हम उनके मुंह से सुनने वाले हैं कि उनको कैसे उस पर दिल आया, कैसे उन्होंने उसको ऑफर किया शादी के लिए, कैसे उन लोगों ने शादी करी, कैसे सब लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। सो इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना, तो मतलब कि चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज की मोहब्बत की स्टोरी सुनने और देखने के बाद आप अश अश कर उठेंगे। ये हैं फरहान जिनकी उम्र 21 साल है और ये है इनकी जौजा माजदा खतीजा जिनकी उम्र 17 साल है। खतीजा का वेट 105 केजी है, जबकि हमारे इस भाई का जो वेट है वो 65 केजी है। इनकी लव स्टोरी शुरू कुछ यूं होती है कि खतीजा के वालिद साहब इनको अपने घर में रखते हैं और इनकी ड्यूटी लगाते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ रहना है और इसको ड्राइविंग सिखानी है। ये इनको ड्राइविंग सिखाते हैं और ड्राइविंग सिखाने के दौरान ये पीछे बैठा करती थी कि दुनिया की वो वाहिद ड्राइवर होंगी जो आगे नहीं बल्कि पीछे बैठकर ड्राइविंग सीख रही थी। ये इनको व्यू मिरर, जिसको फेस मिरर कहा जाता है, वहां से पीछे नहीं देखा करते थे और इनको बाजी कहकर पुकारा करते थे। एक दिन हुआ यूं कि खतीजा पीछे बैठी थी और इन्होंने इसको कहा कि ओए मुझे मिरर में से देखो। इसने यूं देखा तो उसने कहा कि नहीं मुझे सही तरीके से देखो। इन्होंने बड़ा डरते डरते हुए इनको देखा और उसके बाद इन्होंने कहा कि साइड पर लगाओ, हम कहीं से फ्रेश जूस पीते हैं। ये वहां पर बैठी और इन्होंने इनको कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस पर इन्होंने कहा पाजी आप ये क्या कह रही हैं। इन्होंने कहा कि अब तुम्हारी आवाज ना निकले क्योंकि मैंने तुम्हारी अपने घर वालों के साथ बात करनी है। ये काफी डर गए कि अंकल क्या सोचेंगे, बॉस क्या सोचेंगे कि मैं उनके घर में शायद इसलिए काम कर रहा था और उन्होंने तो मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए भेजा था। कहानी का ट्विस्ट ये है कि इन्होंने आज तक इनको ड्राइविंग नहीं सिखाई लेकिन मोहब्बत सिखा दी। ये अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और ठीक ठाक थे। घर में अपने वाले साहब से बात की, वो ना माने, जिसकी वजह से इन्होंने 3 से 4 दिन खाना ना खाया। 3-4 दिन खाना ना खाने की वजह से इन पर कमजोरी छा गई और वो आप देख भी सकते हैं। ये कल्टस गाड़ी पर इनको ड्राइविंग सिखाया करते थे। शादी के बाद अंकल ने वो कल्टस गाड़ी भी इनको दे दी और इसके साथ एक बड़ी गाड़ी भी साथ दी जो की कंपनी में लगी हुई है और ये उस कल्टस गाड़ी पर जो है ऊपर क्रीम पर काम करते हैं। आपकी एज 17 साल है, इनकी एज 21 साल है, आपने घर वालों को मनाया कैसे कि ड्राइवर के साथ शादी करनी? खाना वगैरह मैंने नहीं खाया, नाराज हो गई उनसे, इकलौती बेटी थी उनकी, काफी उन पर इंप्रेशन पड़ा कि हमारी एक ही बेटी है, नाराज हो गई है, चोरी ना हो जाए, चोर हो रही है। तो फिर वो जैसे तैसे करके मान गए। इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आप डरे नहीं कि यार ये मालकन क्या कह रही है? मुझे तो पहली बार किसी ने प्रपोज किया था और प्रपोज भी मालकों ने किया, मैं तो बहुत डर गया था, कंफ्यूज ऐसा हो गया था कि मैंने कहा नौकरी भी जाएगी मेरी तो छोकरी भी तो चली जानी है। मैंने तो कभी इसे सेंटर वाले शीशे में देखा भी नहीं था, पूरी नहीं आती थी उसमें, मतलब आप देखते नहीं थे, मेरी आदत ही नहीं थी। कितनी सैलरी थी जब आप इनके घर काम कर रहे थे? मेरी 20,000 थी। जब आपने इनको प्रपोज कर दिया तो आपने ये भी नहीं सोचा कि ये हमारा ड्राइवर है और 20,000 रुपए सिर्फ ये कमाता है? मुझे तो लगता है आप जैसी लड़कियां 20,000 के तो गोलगप्पे दही भी खा जाती है। इनकी मुझे पर्सनैलिटी ड्राइवर वाली नहीं लगती थी। मैंने कहा था शादी के बाद ये कुछ करेगा, इन्होंने करके मुझे दिखाया, करके दिखाया इन्होंने। इन्होंने ना मतलब ये सही जा रहे हैं अपनी रूटीन के लिए, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं तो बड़ा यार बड़ी बात है, इन्होंने जज कर लिया आपको कि सही जा रहे हैं।
होती है। आप छोटी गाड़ी चलाते थे, बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो कोई मतलब फेल नहीं होता कि ये बहुत बड़ी है? नहीं जी, कोई फेल नहीं होता। शादी से पहले आप इनको क्या कहा करते थे? बाजी भी कहता था, फिर मैडम भी कहने लग गया। आप इनको क्या कहती थी? मैं इनको ग्लास ग्लास तो कहती थी, ये क्योंकि शफाफ होता है ग्लास, एक ना इंप्योरिटी नहीं होती, मिलावट नहीं होती, मिलावट नहीं होती उसमें। आप इन्हें क्या कहते थे? मैं इनको खतीजा ही कहता था। ये ग्लास कहती थी तो आपका भी फर्ज था, आप इनको कूलर कहते? नहीं, मैं इनको खतीजा ही कहता। अभी भी तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कूलर के साथ ग्लास बंधा हुआ है। आपके दिल में मोहब्बत पैदा हुई कैसे? क्या इन्होंने कोई राइट टर्न लिया हो या इन्होंने कोई इशारा लगाया हो तो वही बात आपके दिल में उतर गई होगी? यार इशारा बहुत सोना लाता है। नहीं, सबसे अच्छी बात ये थी कि ये गाड़ी बहुत अच्छी चलाते थे, झटके वगैरह नहीं लेते थे मतलब सीट। नहीं, बिल्कुल सही चलाते थे, आराम आराम से चलाते थे। जंप वगैरह आता है तो जंप से ये तेजी में गुजार देते थे ऊपर करके और आप ऊपर से नीचे लग रही होती? नहीं, आराम से गुजार। फोर्थ हो, अल्लाह ना करे, मरना तो सब नहीं है, तो आपकी जो कब्र है वो हम अगर रोड पे बनाए कब्र की कब्र जंप का जंप बन जाए तो कोई इशू होगा आपको? नहीं होगा। जिस गाड़ी पर आप इनको ड्राइविंग सिखा रहे थे, आप ड्राइविंग सिखा दी आपने इनको? नहीं जी, ड्राइविंग तो नहीं सिखाई, मोहब्बत सिखा दी। आपको अभी तक ड्राइविंग नहीं आती? नहीं, मुझे अभी तक ड्राइविंग नहीं आती। आपका भी मिशन कुछ और ही था? नहीं, मिशन नहीं था कुछ और, बस अभी शादी होगी, निकाह हो गया। इस गाड़ी पे इन्होंने आपको ड्राइविंग सिखानी थी, अब वो गाड़ी किधर है? जहेज में इन्होंने दी है, वो गैरेज में खड़ी हुई है मेरी। आप गाड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो तारीखी गाड़ी है जिस पर सिखाते सिखाते इन्होंने पूरी जो है लड़की को हासिल कर लिया। और एक और गाड़ी इनको जहेज में इनके वाले साहब ने दी है, वो गाड़ी कहाँ पर चलती है? वो मैंने कंपनी में लगाई हुई है, वो ग्रैंडी दी थी, बिजनेस भी करवा दिया, एक हमने चैनल बनाया है, वे व्लॉग्स बना रहे हैं। आपकी पांचों उंगलियां जो है वो घी में है और जो सारा है वो कढ़ाई में है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादियां नहीं करते अपने स्टेटस से कम लोगों से, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि स्टेटस तो अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह चाहे तो बंदा एक दिन में ऊपर होता है, एक दिन में नीचे, ऊपर नीचे होता रहता है, क्या होता रहता है, पैसे आने जाने वाली खेल है। अब तो माशाल्लाह पैसे की रेल-पेल भी हो गया, तो ड्राइवर वगैरह रखना? इनके लिए ड्राइवर रखने पड़ेगा मुझे। एक और ड्राइवर ये आपके लिए रख देंगे तो फिर? नहीं, मैं अब कोई ड्राइवर नहीं रखूंगा। जब ये आपको ड्राइविंग सिखाते थे तो उस दौरान कोई ऐसी ऑकवर्ड या कोई फनी बात बताएं जो 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 आपने आज से पहले किसी के साथ शेयर ना की? जब ये गेट लगाते थे ना, जब ये ऐसे ऐसे हाथ करते थे ना, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता था। ऐसे ऐसे करते थे गेट तो पकड़ लूं। कोई सॉन्ग अपने हबी को आप डेडिकेट करना चाहते थे? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी गुम हो जाए। ओह नो, अल्लाहुम्मा आमीन, चाबी गुम, चाबी गुम, बाजी प्राण भी गुम। मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ड्राइवर की इज्जत देख रही हैं आप, ड्राइवर अपनी ईमानदारी दिखाए, इज्जत से गाड़ी चलाए, इज्जत से हया से बैठे, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमे। सो ये थी गाइस हमारी वीडियो, जो कि मैंने कहा था कि काफी फनी वीडियो है, तो आप लोगों को आई नो आप लोगों को फनी लगी होगी, आप लोग हंसे होंगे। बहुत ही नाजुक सी कमसिन कली सी लड़की है जिसको अपने ड्राइवर पे दिल आ जाता है और वो अपने ड्राइवर को शादी के लिए बोल देती है और ड्राइवर एग्री कर देता है। मतलब इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, इतनी कमसिन कली सी लड़की अगर अप्रोच करेगी तो कौन ही मना करेगा, और वो भी वो उसकी मालकिन। सो मैं मजाक कर रही हूँ, तो मतलब कि 17 साल की लड़की है और काफ़ी हैवी लड़की है, मतलब 105 किलो के अराउंड इसका वेट है। तो ड्राइवर को लगा होगा कि यार मेरी तो मजे, मेरी तो लॉटरी निकल गई है, मेरी तो मालकिन ने ही मुझे जो उनको सैलरी देती है उन्होंने ही उनको शादी के लिए अप्रोच कर दिया है, तो फिर उसके बाद तो नौकरी, मतलब ड्राइविंग की नौकरी तो वो नहीं करना चाहेगा, फिर तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा अब तो। और उस लड़की को ये लगा होगा कि यार कौन ही ऐसा कोई हैवी लड़का ही ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, बट कहते हैं ना कि जो होता है भगवान की रजा में होता है, भगवान ने ही जोड़ियाँ बना के भेजी हुई होती है। तो आई होप ये लोग खुश रहें और सब कुछ स्मूथ चलता रहे। तो आई होप आप सबको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग काफ़ी इन्जॉय करा होगा, आप लोगों ने काफ़ी हंसे हो गए आप लोग, क्योंकि फ़नी वीडियो थी ये, मुझे तो काफ़ी हंसी आई इसमें। तो ऐसे ही फ़नी फ़नी वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ, तो उसके लिए जो भी आज मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा चेहरा बार बार दिखता रहेगा आप लोगों को, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी वीडियो लगी। आई नो अच्छी लगी होगी, और जिनको नहीं अच्छी लगी है वो मेरे लिए बोल देना यार कि अच्छी लगी आप लोगों को, ताकि मैं खुश हो जाऊं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही वीडियोस देखते रहो मेरे साथ बैठ के, मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मुझे पता लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो ही मैं वीडियोस लेकर आऊंगी ना, नहीं तो फिर मैं भी क्या ही करूंगी अगर आप लोगों को पसंद ही नहीं आएगी तो। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार देते रहो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना यार, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो